हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उनका एक सीरीज चला रहे हैं। अभी तक आप सभी के लिए हिंदी का पिछले साल का जो पेपर है आप सभी को हल करा दिए हैं। आप जाके हिंदी का पेपर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पिछले साल के पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में कितना रिपीट होता है। तो 2024 में कम से कम पिछले साल के पेपर में प्रत्येक सब्जेक्ट में 45% तक प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो आप पिछले साल के पेपर को यहाँ पे जरूर देखिएगा। यहाँ पे आज आप सभी को 2023 में हुआ जो पेपर है चित्रकला का, यहाँ पे आपको हल कराएंगे। फ्रेंड्स, आपको चित्रकला का जो पेपर है पूरा मानचित्र के साथ, ये जो इसका चित्र कैसे बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आप सभी को बताने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी पेपर आप सभी को कराएंगे उसको हल करके आप जरूर बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको 45 से लेकर 50% तक प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है, पिछले साल के पेपरों से। ये देखिए, आपका मॉडल जो है 830 EQ है, इसका यहाँ पे संपूर्ण हल कर देखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, आपको जब चित्रकला का पेपर मिलेगा तो उसका जो पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का रहेगा। आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके कुछ नोट दिए रहते हैं, इस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा। एक बार दिखा देते हैं सभी नोट्स को। देखिए, पहला नोट्स, दूसरा, तीसरा, ये सभी नोट्स को आप जरूर पढ़ लीजिए पेपर देने से पहले, ठीक है, जिससे आप इसका पहले से ही निर्देश को जानते रहें। चलिए सीधे हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने खंड क स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न हल करना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए खंड क है। अब जब भी खंड क को हल करिएगा तो यहाँ पे जो निर्देश दिए रहेंगे ना, इस निर्देश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन सा कितने प्रश्न आपको हल करना है। चलिए आपको यहाँ पे निर्देश बताते हैं कि इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधि कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक को 20 बहुविकल्पी प्रश्न ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आलेखन होता है, एक प्राविधि, जो आपको इस पेपर में बताएंगे कौन आलेखन के प्रश्न होते हैं कौन प्राविधि के। इन दोनों का, आलेखन का 20 प्रश्न रहेगा और प्राविधि के 20, इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको OMR शीट पर देना रहेगा। देखिए सेकेंड नंबर पर है कि आपके द्वारा जो आलेखन है, ठीक है, अथवा प्राविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR शीट पर आपको क्या करना रहेगा, अंकित करना रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पहले हम देखते हैं कि आलेखन कला जो है उसमें किस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, और यही प्रश्न आपके 2024 में भी आने वाला है, तो इसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा आपसे कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन है सफ़ेद होगा, काला, हरा, पीला। आप प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितना होता है 3 और द्वितीय रंगों की संख्या भी 3 होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसमें पूछा है कि प्राथमिक रंग इसमें से कौन है, सफ़ेद, काला, हरा, पीला, ठीक है, तो इसमें से जो आपका पीला वाला है ये आपके किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। देखिए आपका हिंदी में है, आपको इंग्लिश वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे उसको छोड़ना है, ठीक है, इसलिए कि हिंदी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपके सामने, यहाँ पे देखिए ओस्टवाल्ड कलर में कितने रंग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन है 7 होगा 8 होगा 9 होगा 6, तो ओस्टवाल्ड में टोटल कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर तीसरा नंबर का देखिए, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं उसको कहीं एक जगह कापी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। बारीक लाइन का मतलब होता है हल्का हल्का एकदम, जैसे मतलब खींचते लाइन है तो हल्का होना चाहिए, तो किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे, 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर या 0 नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बनाना होगा, तो 0 नंबर का ब्रश रहेगा उससे एकदम हल्का रंग प्राप्त होता है, इसका सही हल्का लाइन प्राप्त होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चौथा नंबर का देखिए, कौन सा गर्म रंग है, ठीक है, आपको यहाँ पूछा है गर्म रंग, ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, हरा, तो यहाँ पे गर्म रंग के अंतर्गत आता है आपका लाल, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड्स, गर्म रंग को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आग होता, आग का कलर कैसा होता है, लाल होता है ना, और लाल जब आग क्या होता है, आग के पास जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, तो क्या होगा इसका मतलब, इससे आप रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं कि गर्म रंग क्या होता है, लाल होता है।
एक प्रश्न बार बार पूछता है कि ठंडा रंग कौन सा होता है, तो ठंडा में आपका हरा आता है, ठीक है। ठंडा में क्या होता है, हरा आएगा, और इसके साथ में नीला भी ठंडे रंग के अंतर्गत आता है, इस रंगों को भी साथ में याद रखिएगा। पांचवा नंबर देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है। देखिए पाँच होगा, चार, नौ, सात, तो आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आठ। छठवां नंबर देखिए, प्रश्न क्या है आपका कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है, ठीक है, आपको गहरा बताना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एच बी, एच, टू बी या टू एच, तो देखिए यहाँ पर पूछा आपसे क्या है, गहरी रेखा। देखिए क्या होता है, गहरी जो बनेगा आपका 2B से बनेगा, किससे बनेगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, 2B से बनेगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप याद कैसे रखेंगे, देखिए गहरा जब रंग बनता है, देखिए एकदम ब्लैक कलर का बनता है ना, देखिए ब्लैक का स्पेलिंग देखेंगे तो बी एल ए सी के होता है, यहाँ से क्या निकल रहा आपका बी, तो बी से रिलेट कर सकते हैं कि बी से क्या होगा, ब्लैक होगा, यानी कि गहरा रेखा बनाना है या आपको काला रेखा ज़्यादा बनाना है तो बी का प्रयोग करेंगे, 2B का, समझ में आ गया, इससे रिलेटेड करके इस प्रश्न को भी साथ में याद रख सकते हैं। अगला सातवां नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है, आपको यहाँ पे दूसरा रंग बताना है, द्वितीय रंग लाल होगा, काला होगा, नारंगी होगा, पीला होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा रंग पूछा है, द्वितीय रंग ना, पहले तो यहाँ पे यही याद रखिए कि द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, द्वितीय रंगों की संख्या तीन होता है, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय रंग आपका कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे नारंगी को याद रखिएगा कि नारंगी जो होता है द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला होगा, ठीक है। आठवां नंबर देखिए, ये देखिए लाल में सफ़ेद मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, जैसे लाल है और लाल में आप क्या कीजिए, सफ़ेद रंग को ला के मिला दीजिए, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा, नारंगी बनेगा, गुलाबी बनेगा, इसके अलावा हरा बनेगा या बैगनी बनेगा, ठीक है। तो लाल में जब सफ़ेद रंग मिलाते हैं आप तो गुलाबी रंग बनता है, कैसा बनता है, गुलाबी रंग, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखिए नौ नंबर का सवाल यहाँ पे देखिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, यानी कि आपको बिना ब्रश का प्रयोग करना है, मैंने ब्रश का प्रयोग नहीं करना है, कौन सा रंग आप लगा सकते हैं, ऑप्शन है जल रंग को, तैल रंग को, पेस्टल या टेम्परा को। तो बिना ब्रश की सहायता से आप जो रंग लगाते हैं उसे तैल रंग कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दसवां नंबर का सवाल देखिए, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित में रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है, यानी आपको बताना है कि जो हरा रंग हुआ, नारंगी रंग हुआ और बैंगनी, ये तीनों रंग किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक रंग के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय रंग के, ठंडा के या तटस्थ के। तो इसे याद रखें, देखिए अभी आपको नारंगी के बारे में बताया, नारंगी कौन सा रंग है, द्वितीय रंग है, इसका मतलब हरा, नारंगी और बैंगनी द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, हरा, नारंगी और बैंगनी किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखें यहाँ पे 11वां नंबर का सवाल देख लीजिए साथ में, कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं ना, देखिए आकृति की जो पुनरावृत्ति करना है तो उसके लिए किस पेपर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन है साधारण पेपर रहेगा, चार्ट पेपर रहेगा, ट्रेसिंग पेपर रहेगा या इसके अलावा कार्ट्रिज पेपर रहेगा। देखिए आकृतियों की यदि पुनरावृत्ति करना है तो आपको जो पेपर प्रयोग करते हैं उसका नाम है ट्रेसिंग पेपर, इसका क्या कहते हैं, ट्रेसिंग पेपर, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 12 नंबर का क्या है, कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, आपको हाँ और ना में जवाब देना है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, इसका सही जवाब होगा हाँ, ठीक है। ठीक है, जो सरल रेखा होता है वो कैसा होता है, लयात्मक होता है, यानी एक लय में चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13वां नंबर का सवाल देखिए, कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि लाल में यदि आप नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। देखिए यहाँ पे जब लाल में आप नीला रंग बनाएंगे तो ऑप्शन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, हरा बनेगा, भूरा बनेगा, नारंगी बनेगा या बैगनी बनेगा, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब आपको हो जाएगा कि बैगनी होगा, क्या होगा, बैगनी। यदि लाल में आप नीला रंग मिलाते हैं तो कैसा रंग बनता है, बैगनी रंग प्राप्त होता है आपको, ठीक है। 14वां नंबर का सवाल देखिए, कि हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठीक है, आपको ठंडा डालेगा, समान या गर्म या कोई प्रभाव नहीं। तो आप सभी को अभी बताएं कि जो हरा रंग होता है कैसा रंग होता है, ठंडा होता है ना, कैसा रंग होता है, ठंडा, तो आप पर कैसा प्रभाव डालेगा, ठंडा ही प्रभाव डालेगा। हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
चलिए अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15वां नंबर का सवाल क्या है, ठीक है। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी सूर्य की जो रश्मियाँ यानी किरणें हैं उसमें कितने रंग पाए जाते हैं। ऑप्शन है 12 पाए जाएंगे, 18, 7 या 9। तो सूर्य की किरणों में कौन से कितने रंग पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वां नंबर देखिए कि रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा माना जाता है। ऑप्शन पोस्टर कलर को माना जाता है, वाटर कलर को, पेस्टल को या आयल कलर को। रंग माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा होता है, आयल कलर होता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। 17वां नंबर देखिए यहाँ पे कि काले का विरोधी कौन सा होता है, ठीक है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। काले का विरोधी आप सभी को पता होगा, काला का विरोधी क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद। तो काला का विरोधी क्या होगा, सफ़ेद। ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए काला और सफ़ेद को क्या कहते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं। क्या, किस रंग के नाम से जानते हैं, तटस्थ। काला और सफ़ेद को किस रंग से जानते हैं, तटस्थ रंग के नाम से भी जानते हैं। 18वां नंबर देखिए यहाँ पे, 18वां नंबर क्या है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग आपका बनता है। यदि लाल को लाल में यदि पीला रंग मिला देंगे कौन सा रंग बनेगा। आपका ऑप्शन है नीला बनेगा, हरा बनेगा, नारंगी बनेगा या सफ़ेद बनेगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए लाल में यदि आप पीला रंग मिलाते हैं तो आपको नारंगी रंग मिलता है। कैसा रंग मिलता है, नारंगी। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी देखिए 19 नंबर का सवाल आपका क्या है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, यानी लाल में हरा रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। ऑप्शन नारंगी, पीला, हरा, भूरा। तो लाल और हरा जब आपस में मिलाते हैं तो आपको पीला रंग बनता है। जिसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20वां नंबर का, तटस्थ रंग कितने होते हैं, यानी तटस्थ रंग कितने होते हैं, इनकी संख्या बताना है कि तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है। 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1। तो तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अथवा, ठीक है। अथवा का मतलब होता है कि आपको जो अभी कराया है प्रश्न वो प्रश्न आ रहा था कीजिए, अन्यथा इसके अलावा देखिए 20 प्रश्न के बारे में पूछ कर आया था। अब अगला प्रश्न देखिए कैसा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्राविधि कला। अभी आपको जब निर्देश पढ़े तो उसमें लिखा था ना कि प्राविधि कला और आलेखन कला में से कोई एक ही करना है, तो दोनों में से जो प्रश्न आ रहा है उसको कीजिए। अब यहाँ पे प्राविधि कला के भी आपको प्रश्न बता देते हैं। देख लीजिए प्राविधि कला में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 में से किसी 20 प्रश्न ही 20 प्रश्न को करना है, ठीक है। जिसे कहाँ पर करना, OMR सीट पर करना है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसके अलावा दूसरा देखिए, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाना भी कितना अंश का कोण बनता है। तो आप सभी को पता है कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। अगला देखिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जिसका सही जवाब ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए प्राविधिक कला में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, आप सभी को बता रहे हैं। देखिए वृत्त का आकार होता है, वृत्त कैसा होता है, गोले का आकार का होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। अभी काली के बारे में बताए हैं तो 2B के द्वारा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही है। अगला 9वां नंबर देखिए, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण 90 अंश का होता है। देखिए कितना सिंपल, जिसको मैथ आता होगा बढ़िया से ना तो वो इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कर लेगा, ठीक है। प्राविधि कला के बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 7वां नंबर का देखिए, रेखा किसे कहते हैं। ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, सीधी रेखा होती है, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, इनमें से कोई नहीं। रेखा जो होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे ये 2 बिंदु, इसको दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे तो एक रेखा बन जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग आप सभी को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज के आकार का है। देखिए ये वाला, जिसको मैथ आता होगा ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न पूछता है प्राविधि कला के, ठीक है। तो आपको दोनों में से जो प्रश्न आपको आ रहा है उसी का आंसर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना रहेगा। दोनों प्रश्न करना नहीं है आपको, ठीक है, दोनों में से एक का ही करना रहता है। अगला देखिए 10वां, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण पता है कि एक रिजु रेखीय कोण होता है, यहाँ पे 180 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, सरल रेखा कहते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
अगला देखिए 11वां नंबर का सवाल क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं एकदम हल्की होती है, तभी आपको बताएं ब्लैक ब्लैक से क्या होगा काला बनेगा और यच से क्या होगा ना हल्का बनेगा, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 12वां नंबर देखिए एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको बताना कि जैसे एक डेसीमीटर होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 के बराबर होता है 10 सेंटीमीटर का ना, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चलिए अब अगले सवालों को देखते हैं, पूरा कला का पेपर देख लीजिए, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं ठीक है। 13वां नंबर का देखिए आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ठीक है आयत का प्रत्येक कोण आप सभी को पता है आयत हो चाहे वर्ग हो उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, कितने अंश का 90 अंश का, तो डी सही है इसका। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, वर्ग हो चाहे आयत हो प्रत्येक कोण 90 अंश का ही होता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा आकार आयत है, आयत देख रहे हैं जिसकी आयत मतलब क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा या लंबाई चौड़ाई होता है उसमें। अगला देखिए 16वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है, संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं संपूरक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संपूरक दिया है तो संपूरक मतलब 90 अंश, सॉरी दोस्तों 90 अंश देखिए ना यहाँ पे देखिए 90 अंश, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 अंश ना, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश, एक होता है कोटिपूरक, यहाँ पे कोटिपूरक प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है ना, कोटिपूरक जो होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, कोटिपूरक मतलब जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो कोटिपूरक कहेंगे, संपूरक मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, समझ में आ गया, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ कोटिपूरक होना चाहिए ठीक है। अगला देखिए 17वां नंबर 17 एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, एक मीटर में आप सभी को पता होगा 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला सही है। अगला देखिए 18 नंबर का यदि एक अर्धवृत्त के एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा ना, यहाँ पूछा है कि यदि एक वृत्त में एक वृत्त अर्ध देखिए यहाँ पर लिखा है यदि एक अर्धवृत्त में ना अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनता है आपका इस प्रकार से बनेगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे कि ये पूरा वृत्त इसको आधा कर दें यानी कि ऐसे बना दें, देखिए कहने का मतलब ऐसे बना दें अर्धवृत्त, अब अर्धवृत्त में यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका यदि आपका पता है कि रेखीय कोण के हिसाब से 180 अंश होता है, यहाँ पे एक कोण दे दिया 90 तो दूसरा कोण कितना हो सकता है 90 ही होगा ना, तभी तो 90 180 होगा, इसमें से सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा। 19 नंबर का क्या है आपका यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश है तो दूसरा कोण होगा, अब एक वृत्त का मतलब क्या होता है कि पूरा 360 अंश, एक वृत्त का मतलब क्या होता है कि 360 अंश का कोण बनता है और 360 बनता है तो एक दिया है कि 120 है तो दूसरा क्या होगा, तो 360 में से क्या कीजिए 120 घटा लीजिए 042 कितना अंश का बनेगा 240 अंश, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है आपका अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा, देखिए 60 अंश का कोण है उसमें से एक कोण दे दिया 30 अंश, दूसरा कोण क्या हो सकता है 30 होगा, तभी तो 30 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपको बता दिए हैं, अब देखिए यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है, जब भी प्रश्न को हल कीजिएगा इसके देखिए आप किसी पेपर का निर्देश पढ़िए न मत पढ़िए, लेकिन जो कला के निर्देश दिए रहेंगे ना उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप पेपर में जरूर मिस्टेक कर देंगे, तो आप कला के जितने भी निर्देश जहाँ पर लिखे होंगे प्रश्न हल करने से पहले निर्देश को जरूर पढ़िएगा। अब चलिए यहाँ पर पढ़ के बताते हैं, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से एक का ही चित्र बनाना है, आपको देखिए यहाँ तीन प्रश्न दिए, एक ये दिया है एक ये दिया है और एक, इन तीनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि निर्देश को जरूर पढ़िएगा कि अन्यथा आप पूरे प्रश्नों को हल करने बढ़ जाएंगे ठीक है। तो आपको देखिए निर्देश जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, तो प्राकृतिक दृश्य हुआ आलेखन हुआ प्राविधिक इन तीनों में से किसी एक का ही आंसर आपको देना है और ये प्रश्न रहेगा 30 नंबर का। अब देखिए यहाँ भी लिखा है प्राकृतिक दृश्य, आपको प्राकृतिक दृश्य बनाने आ रहा है तो आप प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं, पहले इसको देखिए फिर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे प्रश्न ये बनाना है। वो देखिए यहाँ पे दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के एक आयत में एक गाँव बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, हाथ में समान
सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चित्रित कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ी, आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए। चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल कलर से करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। देखिए जब ये बनाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य करना है, संयोजन अच्छा से करना है, सुसंगत रंगों का चयन करना है आपको, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इसके लिए अलग अलग से नंबर बांट दिए गए हैं कि ऐसे प्रभाव आप डालते हैं तो आपको इस पॉइंट पर इतने नंबर मिलेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे बनाना था। देखिए जितने पॉइंट का है इसको आपको बोर्ड के एग्जाम इस प्रकार से बनाना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको गुब्बारा लेते हुए बनाना है, एक लड़की को बना दिया जाएगा और यहाँ पे एक मार्केट बना, बाजार बना दीजिएगा, इसलिए बाजार भी सवाल में कहा। जितने भी पॉइंट का है उसको आपको ध्यान देना पड़ता है। यहाँ बाजार बना दीजिए, पक्षियों को उड़ना, फिर इधर अगल बगल झोपड़ी, फिर इसमें सुसंगत रंगों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यदि आप चित्र बोर्ड के एग्जाम बनाते हैं तो टोटल का टोटल कितने नंबर मिलेगा, 30 नंबर इस पर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट है, टोकरी लेते हुए, महिला को जाते हुए दिखाना है, फिर इसके अलावा देखिए बच्ची है ये क्या की है, गुब्बारा ली है, फिर यहाँ पे फल दिखाना है, यहाँ पे झोपड़ियाँ आपको भी सवाल में कहा गया, झोपड़ी को भी दिखाना है, फिर उड़ती हुई पक्षी को दिखाना है, फिर पेड़ पौधा है बगल में दिखा लीजिए। इस प्रकार से एक बाजार का पूरा दृश्य आपको बनाएंगे तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेगा, 30 नंबर। तो इस प्रकार से जैसे चित्र दिखाएं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपको बनाना रहेगा। समझ में आ गया ना। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अथवा में, ठीक है, आपका प्राकृतिक दृश्य आ रहा है, ठीक नहीं थे, इसके अलावा ये भी दिया है, ये प्रश्न आपको आता है तो इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, बी वाला, अपने ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर आयत में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयत में पूर्ण मौलिक इकाइयों वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन में मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त डिजाइन किसी भारतीय पुष्प पत्ती कलियों पर आधारित डिजाइन में किन्हीं तीन सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देना, आपको इकाई की मौलिकता को ध्यान देना, लयात्मक रेखांकन का, रंगों का चयन सही से होना चाहिए, आकर्षण सामान्य प्रभाव होना चाहिए। टोटल 30 नंबर इस पर मिलेगा आपको ये प्रश्न करते हैं। तो देखिए क्या है, इसको देखिए कैसे बनाना है। इस प्रकार से आप कोई भी भारतीय पुष्प ले लेंगे, चाहे गुलाब का फूल चाहे कमल का फूल, इस तरह लेके अच्छी प्रकार से इसका डिज़ाइन इस प्रकार से आपको करना रहेगा। पत्तियां निकालना है, इसमें से कलियां निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि बोर्ड के एग्ज़ाम बनाते हैं तब ये आप बनाते हैं तभी इस पर भी 30 नंबर मिल सकता है। तो चाहे आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाएं वो बनाइएगा, या अन्यथा अथवा में दिया है ये प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि दोनों प्रश्न भी आपको नहीं आता है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चलिए अगले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है, प्राविधि कला। अब जैसे दो ऊपर आलेखन कला दिखा है, प्राकृतिक, इन दोनों में से नहीं आ रहा है, तो अब देखिए अथवा में एक और प्रश्न दिया है। देखिए सी वाला क्या है कि सूचना, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको देना है, ठीक है। जब भी आपके कला के जितने भी प्रश्न हल कीजिएगा उसके निर्देश को जरूर पढ़िएगा, आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, देखिए 5 में से 3 ही करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने है, प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। रचना का रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फूल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। ये टोटल 30 नंबर का है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, 5 प्रश्न दिया है उसमें से 3 करना है। चलिए पाँचों प्रश्न को दिखाते हैं आपको। देखिए आपका पहला सवाल है कि एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5। इसका मतलब आपको प्रकार की सहायता, पेंसिल की सहायता से आपको रचना करना है ना। जैसे आपको त्रिभुज इस तरह बनाते हैं, ठीक है, इसमें 12 और इसको भुजाओं की इस तरह बांटते हैं ना। देखिए इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए भुजा गया, यहाँ से इसको काटेंगे, इस प्रकार से प्रश्न पड़े होंगे ना, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करना रहेगा। आपका अगला प्रश्न देख लीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर एवं आयत की रचना आपको करना है। ये प्रश्न आपको आराध कीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न है, 5 में से आपको क्या करना है, 3 का ही उत्तर देना है, ठीक है। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामिति आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो, ठीक है, ये प्रश्न कीजिए। अन्यथा देखिए ये है, 2 समान वृत्तों क ख की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अन्यथा में देखिए एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके जबकि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर की दूरी
प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, मापनी में 13-34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो देखिए ये था आपका प्राविधिक कला के इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन प्रश्न दिया था, एक आलेखन का दिया था, प्राविधिक का दिया था, ठीक है, इसके अलावा आपका प्राकृतिक दृश्य, इन तीनों में से कोई एक ही करना है, जिस प्रश्न का आंसर आ रहा होगा उसी को करना है, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर के प्रश्न को दिखाते हैं आपके सामने, अगला नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए अगला नंबर का जो ये प्रश्न है, ठीक है, देखिए यहाँ पे खंड ग, ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने क्या किया, बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं, बहुविकल्पी एक प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पी वाला, बहुविकल्पी के बाद को आपको तीन प्रश्न देगा, तीन प्रश्न में से एक, तो अभी तक आपने कितना प्रश्न करना, एक ये करना, एक ये, मतलब कितना हो गया, दो प्रश्न हुआ अभी तक। अब देखिए यहाँ खंड ग स्टार्ट होता है, ये भी आपको करना अनिवार्य है, तो आपको खंड क से एक प्रश्न, खंड ग से एक, खंड ख से एक प्रश्न और खंड ग से भी एक प्रश्न ही आपको करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रश्न के दो भाग क ख दोनों ही भागों का चित्र बनाना है, यानी कि क का एक चित्र बनाना है और ख का भी एक चित्र बनाना है। टोटल कितने नंबर का, 20 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क एक निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना होना चाहिए। देखिए आपको जब बनाएंगे तो रेखा षष्ठों का ध्यान देना है, आकृति का निरूपण करना है। यहाँ पे आपको चार प्रश्न है, ए बी सी डी, इन चारों में से जिसका भी आपको चित्र बनाने आ रहा है उसका चित्र आपको बनाना है, जैसे अमरूद पत्ती सहित बनाना है, दो टमाटर बना सकते हैं, पपीता बना सकते हैं या बैंगन, इन चारों में से कोई एक प्रश्न ही आपको करना है। अब देखिए चलिए इसको दिखाते हैं कि आपको कैसे बोर्ड के एग्जाम में चित्र को बनाना है, ठीक है। देखिए आप अमरूद बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अमरूद बना सकते हैं, देखिए जिस प्रकार से सुंदर और अच्छे प्रकार से बनाया है इसी प्रकार से आप अमरूद का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप पत्ती का भी यहाँ पे प्रयोग कर लिए हैं, इसलिए पत्ती भी बनाना है अमरूद के साथ में और ये अमरूद का चित्र है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में से आपको बनाना है। या इसके अलावा यदि आपको बैंगन का बनाना है तो देखिए ये बैंगन आपके सामने है, ठीक है, तो बैंगन का भी चित्र आप इस प्रकार से सुंदर स्वच्छ एवं बना सकते हैं, पेंसिल का अच्छे प्रकार से इसमें डिजाइन का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से चित्रों को बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल आता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला नंबर का ये तो हो गया क वाला में से आप चाहे अमरूद बना लीजिए, दो टमाटर, पपीता या बैंगन। अब देखिए अगले ख वाला है, इसमें से भी आपको एक प्रश्न करना है, देखिए रेखा षष्ठों का ध्यान ही देना है, आकृतियों अनुपर का भी ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए आपको गुलदस्ता बनाने आ रहा है तो बनाइए, तोता बनाना आ रहा है तो बनाइए, रॉकेट एवं शटल काक बनाना आ रहा है तो बनाइए, गोंद दानी इसमें से जो आ रहा है। चलिए आपको तोता का चित्र दिखाते हैं कि तोता का चित्र आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चलिए ठीक है ना, देखते हैं इसको। देखिए आपके सामने ये तोता बना है, इसी प्रकार से तोता बनाना आप सीख लीजिए, ठीक है, और सुंदर जैसे बनाया गया है डाल पे बैठे हुए इसी प्रकार से बनाना सीख लीजिए। और यदि ये बनाना सीख लेते हैं, यदि आप इस साफ सूत्र सुंदर जैसे बनाया गया इसी तरह बनाते हैं तो आपको इस पर पूरा टोटल 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके जितने भी स्मृति जितने भी चित्रकला के पेपर थे, जितने भी प्रश्न आपके 2023 में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इसी देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, इसी में से आपके बोर्ड के 2024 में जो बोर्ड का परीक्षा होने वाला है 100% गारंटी देते हैं, इसी में से आपको चित्र बनाने के लिए आएगा। तो जितने भी प्रश्न बहुविकल्पी हुआ, दीर्घोत्तरी प्रश्न हुआ, जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, इस प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके चले जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार से एक सीरीज प्रीवियस ईयर PYQ का आपको स्टार्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं उसका आप पूरा हल देखा कीजिए और उन प्रश्नों को जरूर एक दो बार पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर आपके पेपर में प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले साल के पेपर में से आपके बहुत पेपर प्रश्न आते हैं, आपको वही एक सीरीज स्टार्ट किया, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक तो हिंदी का अपलोड कर दिए, ये आपका कला का था, इसी प्रकार से आपको अन्य सब्जेक्ट का भी कुछ समय के बाद अपलोड कर देंगे, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।